नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथ फाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में, जिसकी वैकेंसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड में निकली है और ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कंपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए। तो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद जो डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कैंडिडेट के पास एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी की। उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑफलाइन है, तो आपको इस गिवन एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी, जो अंडर सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्लॉक 2, सेकेंड फ्लोर, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू मेहरौली रोड, न्यू दिल्ली 110016। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन गिवन है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ऐसी सभी जानकारी के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। एज गिवन है जो up to 45 ईयर्स होनी चाहिए। वैकेंसी एक ही है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। कंसोलिडेटेड एनरोलमेंट्स पर मंथ गिवन है, जो 17,000 से 1,20,000। एक्सपीरियंस गिवन है यहाँ पे, स्टार्टिंग डेट थी अप्लाई करने की 25 अप्रैल 2022, लास्ट डेट है 10 जून 2022। एप्लीकेशन में जैसे मैंने बताया ऑफलाइन है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है न्यू दिल्ली। तो इस तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे सारी जानकारी डिटेल में गिवन है दोस्तों। उसी के साथ फॉर्मेट गिवन है एप्लीकेशन का, जहाँ पे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि नेम ब्लॉक लेटर्स में, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स या फिर हाउस नेम। एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लगानी होगी, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को एकदम करेक्टली फिल करें दोस्तों, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग की हेल्प के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। पर अगर आप फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नीचे एक रिप्लाई बॉक्स गिवन है, जहाँ पे अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो रिप्लाई करके डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।